लड़की का पूर्वा, लड़के का दीपक। बोलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ अभी, अपनी भाषा में बोल दो। क्या मतलब है इसका, मतलब भी बता दो। मतलब राम जी के मंदिर में सोना का पाठ है। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी बजे 3:30 और अंदर रूम नंबर 80 में हो रही है पापा की मालिश, जो कि हमारा रूम है, और सभी लोग जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ भी बैठे हैं हमारे आंगन में, तो सभी लोग जा रहे हैं अभी फेरी के लिए, क्योंकि अभी 4:30 बजे आरती शुरू होगी। तो यहाँ पर एक उधर उस सामने वाले हॉल पे, जो मंदिर के सामने है, वहाँ पर एक अंकल रहते हैं। तो वो अंकल जो है वो बाय बॉम्बे से होते हुए पहुँचे हैं, अभी पता नहीं कौन सी जगह पे वहाँ से है वो अंकल। तो उनको भी वन साइड पूरा पैरालिसिस हो गया था, मैं उनको आपको थोड़ी देर में उनसे मिलाऊँगी। और उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि सिंपैथी वीडियो है, सहानुभूतिपूर्ण ये वीडियो है, तो आप इस वीडियो को जा सकते हो लीव करके, सीरियसली। बाकी कोई सिंपैथी वीडियो नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है वो एक पापा ही बीमार नहीं है, पापा की जैसे कितने सारे लोग बीमार हैं। तो बस यही बताना था कि मतलब कि यहाँ पर जैसे और लोग भी है पापा वगैरह, और अगर आपके आसपास पे कोई ऐसे लोग हैं तो आप इनको यहाँ लेके आ सकते हो। जैसे मैंने बताया, सब कुछ फ्री है, रहना फ्री है, खाना फ्री है, बिस्तर फ्री है, सब कुछ फ्री है, तो आप यहाँ पर लेके आ सकते हो। इसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अकेले आए हैं वो, पैरालिसिस हुआ था, और तो उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई, विच इज़ वेरी बैड। और उनके दो बच्चे हैं, एक लड़की है जो प्लस टू में पढ़ती है, और लड़का है 10th में पढ़ता है। कितनी बुरी हालत है उनकी, फिर भी बेचारे इतनी हिम्मत करके अकेले यहाँ पर, मतलब कितने ऑटो, कितनी बसेस, कितनी ट्रेन उन्होंने बदली होगी, फिर भी वो यहाँ पहुँचे हैं। जैसे यहाँ पर अकेले की एंट्री नहीं देते हैं, तो उनको एंट्री दी है पता नहीं किस तरह से, और जो बहुत अच्छी बात है। और अंकल अभी उस तरफ रुके हैं, तो उनका खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है उनके साथ, तो अभी आज मिले हैं वो हमें, जबकि उनको यहाँ पर 3-4 दिन हो गया, वो भी एक भैया के थ्रू हमें वो मिले हैं। तो फिर हमने बोला है कि हम उनको खाना देंगे, तीनों टाइम का खाना हम बना के देंगे। जैसे पापा की मालिश करते हैं, तो मम्मी और पापा ने डिसाइड किया कि उनकी मालिश भी हम करवाएँगे। यहाँ पर चाय बन रही है, और मैं इस थर्मस में अंकल के लिए चाय लेके जा रही हूँ, और मैंने बनाए हैं परांठे, तो परांठे लेके जाती हूँ अंकल के लिए। अभी मैंने उनको बुलाया है उस पेड़ के पास, तो अभी जाते हैं उस पेड़ के पास अंकल के लिए चाय और परांठे लेके। इधर बैठे हुए सारा मैं देख रही हूँ, मैं उधर ढूंढ रही हूँ आपको। लाए गिलास लाए। गुड मॉर्निंग, आपके बच्चे के पास फ़ोन है? फ़ोन है आपके बच्चों के पास? तो मैं उनको वीडियो भेजूंगी, आपकी खुश हो जाएगी, ठीक है? मेरे को नंबर दे देना, व्हाट्सएप चलाते हैं, मैं भेजूंगी वीडियो। हेलो कर दो, क्या नाम है गुड़िया का? दीपक नाम है, लड़की का नाम है पूर्वा। लड़की का पूर्वा, लड़के का दीपक। बोलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ अभी, अपनी भाषा में बोल दो। चिंता नहीं करना, बोलो मैं ठीक हो गया, देखो मेरा पैर भी ठीक है। और कुछ बोलना है? खोल के दो उसको, खोल लोगे? वो मैंने प्लास्टिक में डाल लिया, ठीक है खा लेना, फिर दिन को यही खाएंगे। पापा बैठे होते हैं ना, फिर पापा के साथ बैठ के खाना, ठीक है। सुमू छागे छागे सुमू छागे, दूध से करो तो क्या? अब कैसे खाते खुद? वाह, हंस तो, अब हंस तो, हंसो तो, हंसो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी अंकल को जो है वो पराठा चाय दे दी है मैंने, और मैंने और पापा ने भी खाना खा लिया, पापा अंदर सोए हैं,
सो अभी मम्मी गई है सेवा करने, उधर सब्जी काट रही है अन भंडार गृह में जहाँ पर सब्जी बनती है, तो मैं आपको एक बार वहाँ भी लेके जाती हूँ क्योंकि सेवा करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। मंदिर में आके हम रह रहे हैं यहाँ पर फ्री, तो कुछ काम तो करना बनता है। ये है सामने जहाँ पर मम्मी सब्जी काटती है, सेवा करते हैं सभी। रोटी नहीं खानी, चलो। तो 3 hours later उनको बता देना कि वीडियो भेजी है, अगर वीडियो कॉल करनी होगी तो मैं वीडियो कॉल कर दूंगी, फिर बात कर लेना पूर्वा से। अच्छा अच्छा, मुंबई में कौन सी जगह पे? मुंबई में थाना। थाना से? आपको पेंशन वगैरह है लगी भी? नहीं नहीं, मेरी पेंशन। फिर क्या काम करते थे आप पहले? मैं ऑफिस में। कौन से ऑफिस में? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में? सरकारी जॉब थी आपकी? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट थी। अब छूट गई नौकरी? चलो कोई, अब ठीक हो जाएंगे। कितना टाइम हुआ आपको? 4 दिन हुआ। 4 दिन हुए सिर्फ? 4 दिन यहाँ भी पहुँच गए। ठीक है, बच्चे उधर ही है ना मुंबई में? ठीक है, उनको बोलना है मैंने, वो मालिश वाले हाँ आएंगे इधर ही, हाँ कर देंगे वो आपके। अंकल की मालिश हो रही है अभी यहाँ पर। क्या गा रहे हो? भजन गा, भजन गुरुदार जी गाया विराम नगर का भजन गाओ। गाओ गाओ गाओ। क्या लिख लिख के रहे हो? राम 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 राम। तू गटा की भाई गटा गाओ। किधर क्यों ऐसे? शिमला। आप कहाँ से हो? इधर ही? नागौर। नागौर से? गाओ 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 गाओ। राम जी के मंदिर में सोना का पाट जड़िया रे, राम जी के मंदिर में सोना का पाट जड़िया रे, कृष्ण जी के मंदिर में रूपारा जड़िया रे, बदलो राम ने बदलो राम ने, गयोड़ा दिनड़ा एलिया जावे रे, बदलो राम ने, राम जी के मंदिर में सोना रा पाट जड़िया रे, कृष्ण जी के मंदिर में रूपारा जड़िया रे, बदलो राम ने गिनियोड़ा दिनड़ा एलिया जावे रे, बदलो राम ने। क्या मतलब है इसका है? मतलब भी बता दो। मतलब राम जी के मंदिर में सोना का पाट है आडा, कृष्ण जी के मंदिर में रूपा का। राम जी के हाथ में धनुष बाण सोवे रे, कृष्ण जी के हाथ में बंसुरियां सोवे रे, बदलो राम ने गिनियोड़ा दिनड़ा एलिया जावे रे, बदलो राम ने गिनियोड़ा दिनड़ा एलिया जावे रे, बदलो राम है राम जी रे साथ में सीता जी मैया सोवे रे, राम जी रे साथ में सीता जी मैया सो, कृष्ण जी के साथ में राधा जी सोवे रे, बदलो राम ने बदलो राम ने गिनियोड़ा दिनड़ा एलिया जावे रे, बदलो राम ने गिनियोड़ा दिनड़ा एलिया जावे रे, बदलो राम राम जी रे बाग में तू राम राम जी के।
आई होप आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।